विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह आरती के समय की जाने वाली कपूर आरती के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें अचानक गुलाल फेंके जाने से 14 लोग घायल हो गए थे। इन घायलों को उपचार हेतु तुरंत जिला चिकित्सालय ले जाया गया था, जहां से 10 लोगों का उपचार इंदौर में हुआ, 4 लोगों का उपचार उज्जैन में जारी रहा। बाबा महाकाल के गर्भगृह में घटित हुई इस घटना की जानकारी जिसको भी मिली वो थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया और बाबा महाकाल से यही कामना करता नजर आया कि इस आगजनी की घटना में बाबा महाकाल के किसी भी भक्त के साथ कुछ गलत ना हो और सभी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। बाबा महाकाल के गर्भगृह में आज सुबह हुई इस आगजनी की घटना के बाद मंदिर में फिर से पूजन अर्चन और दर्शन प्रतिदिन की तरह शुरू हो गया है। देश भर में भले ही आज पूरे दिन मंदिर में हुई आगजनी को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं होती रही हों, लेकिन इसका कोई असर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं पर नहीं पड़ा। घटना के बाद से मंदिर में दर्शनार्थियों का आना लगातार जारी रहा, जिन्होंने अपने इष्ट देव के दर्शन होली के विशेष पर्व पर किए। सुबह से लेकर के देर शाम तक हजारों हजार की तादाद में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे, जिससे मंदिर में प्रतिदिन की तरह जय श्री महाकाल की गूंज गुंजायमान रही। महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित महेश गुरु ने बताया कि मंदिर में आज से बाबा महाकाल को ठंडे जल से स्नान कराया जाना शुरू किया गया। आपने बताया कि होली पर्व से गर्मी की शुरुआत मानी जाती है, इस दिन से शरद पूर्णिमा तक भगवान ठंडे जल से स्नान करते हैं। ऋतु अनुसार निर्धारित इन 6-6 माह में प्रतिदिन होने वाली 5 में से 3 आरती का समय भी बदलता है। वर्तमान शीत ऋतु के अनुसार भगवान की सेवा पूजा की जा रही है, लेकिन अब अगले 6 माह गर्मी के अनुसार दिनचर्या बदलेगी, जिसमें अब बाबा महाकाल को ठंडे जल से स्नान कराया जाएगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक संदीप सोनी ने जानकारी दी कि 26 मार्च 2024 से परंपरा अनुसार ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर भगवान की आरतियों के समय में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से अश्विनी पूर्णिमा तक परिवर्तन होगा, जिसमें प्रथम भस्म आरती प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक, द्वितीय द्योतक आरती प्रातः 7 बजे से 7:45 बजे तक, तृतीय भोग आरती प्रातः 10 बजे से 10:45 बजे तक, चतुर्थ संध्या पूजन शाम 5 बजे से 5:45 बजे तक, पंचम संध्या आरती शाम 7 बजे से 7:45 बजे तक और शयन आरती 10:30 बजे से 11 बजे तक होगी। वहीं भस्म आरती, संध्या पूजन एवं शयन आरती अपने निर्धारित समय पर होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।